TVS Raider 125cc में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन साबित हुआ। उसके बाद में TVS की जुपिटर का जो नया जनरेशन था वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और यही नहीं, अभी रिसेंटली TVS ने अपना RR Apache 310 का एक बिल्डअप यूनिट भी इंट्रोड्यूस करा है। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आ गए हैं TVS के शोरूम में, और इंडिया में TVS के बिकने वाली सारी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, उनके ऑन रोड प्राइसिंग, उनके फीचर्स अलॉन्ग विद देयर कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आप लोगों का कोई भी TVS के शोरूम का विजिट ड्यू था तो मेरे हिसाब से दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉन्ग विद मी, दैट इज साम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो TVS में आपको कई सारे तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल्स मिल जाती हैं, स्कूटर्स मिल जाते हैं, इनफैक्ट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं, हमारे मिलते हैं को से जिनका नाम है मिस्टर मोहित। मोहित भाई कैसे हैं? बस सब बढ़िया एकदम। सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, काम वाम सारी चीज़ें TVS पे। तो अगर आपको TVS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोहित भाई का नंबर जो है हमारे पिन कॉमेंट्स में आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से इनका नंबर उठा करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हमारे पीछे जो एक खूबसूरत सी मोटरसाइकिल खड़ी है 125cc की पावरफुल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, जो कि आपको एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड करती है विद टू राइडिंग मोड्स इनफैक्ट। तो मोहित भाई टेल मी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रेडर? सो ये TVS की जस्ट अभी न्यू लेटेस्ट मॉडल है जो 125cc में इन्होंने लॉन्च किया है, और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर और दमदार चीज़ों के साथ में आई है। जैसे कि आप आइए मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रंट से तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने स्टाइलिश DRL हेडलैम्प प्रोवाइड किए हैं जो सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है सेम डिज़ाइन पे। इसके बाद नॉर्मल से हमारी वही डिस्ब्रेक्स वगैरह हो गए, इसके बाद फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले आता है जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। इसमें क्या है कि आप देखेंगे डुअल टोन से बैकग्राउंड ब्लैक होता है आपका, बाकी नॉर्मल ब्राइट वाइट आएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है आप इसमें देखेंगे, इसमें गियर इंडिकेशन अपडेट रिक्वायर्ड भी आपको मिलेगा। अच्छा, अगर गियर चेंज करने हो तो कब गियर चेंज करने हैं, कब डाउन करने हैं, ये बाइक आपको सेंसरली बता देगी। सो बेस्ट पार्ट ये भी है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एवरेज सबकी सेविंग्स होगी आपके नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं सर माइलेज की। तो माइलेज सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी है 125cc में। बात कितना माइलेज प्रोवाइड करती है सर? कंपनी क्लेम करती है 67 का, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक आता है वो 55 टू 60 का आता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। बात करते हैं पावर पिकअप भी, तो अपने सेगमेंट की सबसे दमदार गाड़ी है जिसका पिकअप जो है वो 11 BHP आती है एंड सेम 11 Nm का टॉर्क आता है। तो जबरदस्त पावर, जबरदस्त पिकअप, हर गियर पे जो है आपको सेम पंच सेम पावर प्रोवाइड होती है। अगर हम इसी को NS125 से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है किसका पावर ज्यादा है? NS का ज्यादा थोड़ा सा, बेसिकली NS का पावर ज्यादा है बिकॉज ये तुम्हारा थोड़ा सा कम्यूटर मोटरसाइकिल भी हो जाती है। कंपनी ने यहाँ पे कस्टमर्स पे ध्यान दिया है कि कस्टमर को पावर के साथ साथ एक दमदार एवरेज माइलेज सब कुछ अच्छा मिले, वैल्यू फॉर मनी। तो इसके ऑन रोड प्राइसिंग क्या पड़ेगी? इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा सर आपको 1,722 रुपये। 1,722 रुपये कौन सा, ड्रम का या डिस्क? ये डिस्क का प्राइस सर आपका। डिस्क का, और ड्रम का कितना अवेलेबल नहीं है? अच्छा, ड्रम का प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर आ करके वो प्राइसिंग देख सकते हो। अब एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ मैं, इसमें हमें टॉप स्पीड क्या मिलती है सर? कंपनी जो टॉप स्पीड क्लेम करती है वैसे वो 100 something होता है, लेकिन जो एक्स जो मतलब आप बोल सकते हो कस्टमर फीडबैक का वो मैक्सिमम 111 का है। काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, बढ़िया जो है आपको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है, भाग में भी अच्छी है, इनफैक्ट अगर आप इससे लॉन्ग टूर्स भी करते हो तब भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है डिस्क वाले में, और हमें जो ड्रम वाला है उसमें हमें सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ है। ये हमें कितने कलर्स में आती है सर? बेसिकली इसमें आपको 4 colors अवेलेबल होते हैं। पहला कलर ब्लू आता है, सेकेंड इज़ ब्लैक, थर्ड इज़ येलो एंड फोर्थ इज़ रेड। ठीक है, ये 4 colors में TVS रेडर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल। अच्छा, इंस्टेंट अवेलेबल या फिर कुछ ऐसे टाइम लगेगा? इसकी टाइमिंग है, डिलीवरी टाइमिंग है, अगर आप बुकिंग कराते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 45 days का टाइम लगता है। 45 days का टाइम लगता है, कुछ जल्दी नहीं हो सकता सर? जल्दी भी हो सकता है लेकिन वो इट्स अप टू बुकिंग्स। ठीक है, 45 आपका मैक्सिमम डेज टाइमिंग है, उसके अंदर जो है आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल जिससे पहले हमने शुरू करा। तो अभी हमारे पास मोहित भाई यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है, यहाँ पे स्कूटर खड़ी है, हम पे किस पे जाना चाहिए बताइए? सर पहले हम जाते हैं बाइक पे। चलो आ जाओ, पहले मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो अभी ये जो आप हमारे सामने बाइक देख रहे हो इसका नाम है TVS की रेडियन। सर इस मोटरसाइकिल की खासियत या फिर इस मोटरसाइकिल की स्पेशलाइजेशन क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल प्रोवाइडिंग ग्रेट माइलेज, आप बताओ? सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये आपको 110cc मिलता है एंड ये पूरा क्लासिकल लुक है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, लोहा गाड़ी है ना? और क्रोम कितना सारा लगा, क्रोम है, मतलब इट मींस ये है कि मतलब एक ब्यूटीफुल बाइक है। मतलब आपकी आपको बेस्ट पार्ट एवरेज अच्छा मिलेगा। बेस्ट पार्ट अगर आप देखोगे इसके व्हील्स भी हैं जो 18 inches के आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि छोटी गाड़ी 18 inch के व्हील आते हैं, छोटी गाड़ी होने के बावजूद यहाँ पे आपको बैलेंसिंग अच्छी मिलेगी। हालांकि
इनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी मिलेगी। इससे फायदा क्या होता है ना मोहित भाई, जब आपको बड़े टायर दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये मोटरसाइकिल जो है थोड़ा सा हमारा जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं उतने ज्यादा मतलब नहीं चल पाती है उसमें, थोड़ा सा हमारे गाँव देहात में यूजली जा करके थोड़ा सा चलती है, तो वहाँ के लिए जो है आपको टायर जितने बड़े उतने बढ़िया, उतने तो इसीलिए जो है आपको इसमें 18 इंच के टायर मेरे हिसाब से दे दिए गए। इसके इनफैक्ट इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा सर, 180 mm का सर ग्राउंड क्लियरेंस आता है, 180 mm का। उसके बाद में हम और इसमें क्या मिल जाता है और खास, सबसे बेस्ट पार्ट है ना ये 110 cc के साथ सर बहुत ही इजी होती है। लाइक अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैंक पैड अवेलेबल होता है, तो ये टैंक पैड बेसिकली क्या करता है, दो तीन चीजों में बेनिफिशियल है। कोई मतलब आप नॉर्मल कोई बेबी बैठता है यहाँ पे उसमें इश्यूज नहीं आते, आप कोई सामान आगे कैरी करते हो स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते। तो कितना एवरेज प्रोवाइड करता है सर यहाँ पे, जो कंपनी जो एवरेज माइलेज क्लेम करती है वो 85 to 90 km है इन 1 liter पर। 85 to 90 km और देता कितनी है एक्चुअली में? 70 to 75 पर लीटर भी आपका काफी ज्यादा बढ़िया एवरेज हो जाता है। तो मतलब आप मान लो कि आप एक सवा रुपए में जो है आप एक रुपए 20 पैसे में आप जो है पर किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस मोटरसाइकिल में आपको बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्रोम के साथ आपको फिनिशिंग आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल आके देख सकते हो ये कितने वेरिएंट और कितने प्राइसिंग है सर। सर बेसिकली यहाँ पे 3 variants अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन आपका आता है ड्रम मॉडल जिसका प्राइस है 71,300, दूसरा आपका आता है जिसमें आपको रेफ मॉडल मिलता है, रेफ मॉडल की जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो आपको समथिंग 82,500 नॉर्मल है। फर्क क्या होता है रेफ और इसमें? फर्क बेसिकली क्या है कि सर 4 to 5 चीजों का डिफरेंसेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे शीशे मिलते हैं आपको देखेंगे क्रोम मेरे शीशे ऐड हो जाते हैं ड्रम से अपर मॉडल पे, प्रीमियम ब्रेक लिवर्स हो गए, ऑन टैंक पैड हो गया आपका, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर भी अवेलेबल होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3-4 चीजें हैं बाइक में जो ऐड ऑन होती है। ये कौन सा मॉडल है? ये बेसिकली हमारा रेफ मॉडल की भी अपर मॉडल है, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल है ये, ठीक है। उसके अंदर रेफ मॉडल का कितना प्राइस है? रेफ का प्राइस है 82,500। उसके अंदर ये जो मॉडल खड़ा है इसका कितना? ये अगर आप डिस्क में स्विच करते हैं तो डिस्क में आपका प्राइस होगा 86,500 अप्रॉक्सिमेटली। एक अच्छी मोटरसाइकिल है, काफी ज्यादा बढ़िया एवरेज प्रोवाइड करती है। अब हम लोग इतने ज्यादा अच्छा अच्छा की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग जुपिटर को आप कैसे भूल सकते हैं ना, थोड़ा सा जुपिटर पर भी आ जाता है। तो जुपिटर में बेसिकली आपके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आपका 100 cc का वेरिएंट आता है, एक आपका 125 cc का वेरिएंट आता है। तो 110 cc के वेरिएंट में जो आपके सामने मोटरसाइकिल खड़ी है ये आपका जुपिटर का नया वेरिएंट है, जिसमें हमें जो चेंजेस मिलने वाले हैं वो क्या क्या है? सो सर बेसिकली बताना चाहूँगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर 110 cc में कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। एक तो सर इसमें क्या है कि बेसिकली पहले क्या होता था, हमारी फ्यूल लीड वगैरह पीछे की तरफ से खुलती थी, अब हमें एक्सटर्नल फ्यूल का हैंप मिलता है। एक्सटर्नल फ्यूल हमारा बाहर ही है, लेकिन ये वन की ऑपरेटेड है, चाहे फ्यूल लीड ओपन करना हो, चाहे सीट ओपन करनी हो, ऑन करना हो, ऑफ करना हो। तो बेस्ट पार्ट ये है, पहले से भी ज़्यादा कन्वीनियंस हो चुका है आपका। सेकेंड चीज़ आपको जो बेस्ट पार्ट मिलेगी, यहाँ पर आपको किल स्विच का ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरी चीज़ है, आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी मिलने लग गया है। अच्छा। जो 2 liter का स्पेस अवेलेबल होता है, आपको यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन भी मिल रहा है। चार्जिंग ऑप्शन ना, वही मैं देख रहा था, यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन भी मिल रहा है। ये पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। अब जुपिटर 110 में हमारे कितने वेरिएंट्स आते हैं सर? सर बेसिकली जुपिटर 110 में हमारे पास 4 variants अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास सामने कौन सा खड़ा है? ये बेसिकली जुपिटर AON मॉडल है, ऑल इन वन बेसिकली। टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल इज क्लासिक, हम सब जानते हैं। उसका प्राइस पड़ेगा आपको लगभग 92,700 टॉप मॉडल का, 92,700। उसके अंदर उससे नीचे आते जाता है, उसके बाद नीचे फिर हमारे पास ZX डिस्क आता है। ZX डिस्क का प्राइस बेसिकली 92,300 होगा। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बेसिकली क्या है सर, ZX में और जो क्लासिक मॉडल है, क्लासिक एक बहुत सिंपल सा मॉडल है जो मतलब नॉर्मल लोगों को पसंद आता है। वहाँ पे 3 चीज़ें एडिशनल मिलती है स्कूटी के मुकाबले, एक विंडशील्ड होता है, क्रोम मिरर होते हैं हमारे वहाँ पे, बैकरेस्ट होता है, इट मीन काफी कलर थीम भी काफी अच्छे उसमें, आपको मैट कलर थीम में भी मिल जाता है ना, ऑप्शन कलर मिल जाते हैं वहाँ पे आपको। तो अभी ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, दिस इज जुपिटर ZX। सो फाइनली यही है जुपिटर ZX, काफी प्रीमियम स्कूटर है, काफी अच्छा स्कूटर है, लोगों को पसंद भी आता है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा 2-3 जो मेजर चीजें जो काफी यूजफुल है। पहली चीज क्या है कि यहाँ पे आपको इंटेलिको फीचर मिलता है जो सिर्फ इसी वर्जन में आता है, जो ZX में ही आता है, ZX में ही आता है, ठीक है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, आप कहीं चल रहे हैं ट्रैफिक्स वगैरह पे या कोई नॉर्मल रेड लाइट पे खड़े हो तो आफ्टर 20 seconds आपकी स्कूटी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ओके। उसके बाद आपको 20 seconds या मतलब 50 seconds में बंद हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक यूज़ करना है, देन एक्सीलरेटर यूज़ करना है आपको। गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन अच्छा रहेगा आपका, प्लस आपका एवरेज वगैरह नॉर्मल सी सेविंग होगी आपकी। तो अभी हम लोग ZX पर आए, अभी आपने मुझे 3 variants बताए जुपिटर के, चौथा कौन सा? चौथा हमारा बेसिक मॉडल है, दैट इज SMW, जुपिटर SMW। उसमें क्या है सर? वो बेसिकली क्या है कि उसमें आपको लाइट मिलेगी हैलोजन। तो बस ये डिफरेंस है। उसका प्राइसिंग कितना है सर? उसका प्राइस है 81,000। इसका ZX का? ZX का प्राइस पड़ेगा आपको 92,300। सबसे महंगी यही है क्या? नहीं, सबसे मॉडल क्लासिक है। वो जिसका था कितना?
92,700. तो ये हो गया हमारा जुपिटर 110 की सारी मोटरसाइकिल, सॉरी सारी स्कूटर, जिसको आपको बारे में अब पता चल चुका है. चार वेरिएंट आते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. अब अगर हम लोग जुपिटर की ही बात कर रहे हैं तो जुपिटर ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कूटर निकाल दिया है, जो कि मार्केट में दी बेस्ट, अगर आप कहो ना कि जो बूट स्टोरेज है, तो मतलब मार्केट में दी बेस्ट बूट स्टोरेज आपको इसी स्कूटर में आप देखने को मिलता है. तो आप मोहित भाई, आप इतने बढ़िया से बता रहे हो, आप हमें बताओ कि जुपिटर 125 में हमें क्या क्या चीज़ें बढ़िया मिल रही हैं, और जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग भी बताना मेरे को. सर बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, जुपिटर 125 में ऐसे फीचर हैं जो अनमैच है मार्केट में 125 सीसी स्कूटर्स के अकॉर्डिंगली. जल्दी से बताओ. ठीक है सर, पहला बताना चाहूँगा, आइए मैं दिखाता हूँ आपको. मैं सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं, फ्यूल जो है इसका, फ्यूल लीड है वो फ्रंट में है. तो कंपनी ने क्या है कि पहले से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस कर दिया मतलब कस्टमर्स के लिए यहाँ पे. तो फ्यूल लीड आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ऑफ पे है, पुश किया एंड देन ओपन, पुश करके राइट करेंगे और ओपन, राइट मूव करना है, दैट ही ओपन हो जाएगा. आप यहीं से जो है अपना फ्यूल भरा सकते हो इजीली. आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो आपको स्पेस मिलेगा, दैट इज 33 लीटर स्पेस. ज्यादा स्पेस है इसमें, इतना मतलब इतना स्पेस होता है लिटरली इतना स्कूटर्स में. इसमें आपको उससे दो गुना मिल जा रहा है. इसमें इजीली दो हेलमेट्स आप रख सकते हो, बट इसमें एक हल्की सी छोटी सी फॉल्ट ये आ जाती है. फॉल्ट नहीं कहेंगे, शायद भूल गए टीवीएस कि इसमें आपको जो है एक लाइट भी देनी चाहिए थी, बिकॉज आपने स्टोरेज तो इतना ज़्यादा बढ़िया बना दिया, बट आपने एक एक्सटर्नल इंटरनल लाइट जो है वो नहीं प्रोवाइड करी, बूट लाइट. तो वो भी अगर आप इन फ्यूचर अपने आगे आने वाली स्कूटर्स में अगर आप प्रोवाइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी. और इसमें कुछ बताना है अंदर? सर बेसिकली बस ये चीज़ें. ठीक है, इसमें कितने वेरिएंट आते हैं? बेसिकली दो ही आते हैं, एक ड्रम आता है आपका, एक डिस्क आता है. ठीक है, तो ये जो हमारे सामने खड़ा है ये हमारा ड्रम वेरिएंट है, जिसकी प्राइसिंग कितनी है? इसका प्राइस पड़ेगा ड्रम का आपका 92,700 इसका भी. तो जो ड्रम का प्राइस है, तो जो हमारा ZX जुपिटर 110 का प्राइस है, 110 डिस्क का प्राइस है, दैट इज सेम हो गया. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके डिस्क वाले ऑप्शन में चले जाएं तो फिर वहां के जो प्राइस पड़ेगा आपको पड़ेगा 97,700. कितने कलर्स में अवेलेबल है? बेसिकली यहाँ पे चार कलर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रे हो गया, एंड सबसे बेस्ट कलर जो हमारा है ये वो ऑरेंज है. ऑरेंज कलर, ये नया कलर है, बढ़िया कलर आपका है. ठीक है, बहुत ही प्रीमियम कलर. तो अभी हम लोग मोहित भाई जल्दी जल्दी से, अभी बहुत सारे स्कूटर हैं, सब लोग निपटाएंगे. ओके, दिस इज द फ्यूचर जो आपके सामने दिख रहा है. अभी फ्यूचर इतना ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है, बट आने वाले टाइम में यही सब आपका फ्यूचर होने वाला है. तो हमारे पास टीवीएस की तरफ से आपकी iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आती है, जिसके बारे में हमें मोहित भाई बताने वाले हैं. ये हमारा iQube है, जो बेसिकली अगर हम प्राइस की बात करते हैं, ये 99,000 का ऑन रोड प्राइस है. 99,000 का. अगर आप चल रहे हैं, आपका एक्सेलेटर यूज़ नहीं हो रहा है, व्हीकल चल रहा है, तो ये अपने आप आपको चार्ज भी करती है बैटरीज को, ऑटोमेटिक जनरेट काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार भाई. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसका जो डिस्प्ले है ना, वो भी बहुत एक एडवांस पार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा. और एक कम्प्लीटली स्कूटर है आपका. ठीक है, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम डिस्प्ले है आपका. और यहाँ पे लगभग आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि वेलकम धर्मेंद्र. ठीक है, आप अपने फोन को बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू टू ब्लूटूथ के. यहाँ पे फोन पे कनेक्ट करके टर्न बटन, नेविगेशन भी इसमें मिल जाता है, कॉलर इन्फो, गाना वाना, जो भी फोन आए वो सारी चीजें. गाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फिलहाल यहाँ पे. अच्छा, अभी नहीं है जी. हाँ, अच्छा, तो स्कूटर का रेंज कितना है? 75 किलोमीटर की रेंज आती है ऑन इको मोड. ऑन इको मोड 75 क्लेम करता है कि एक्चुअली आती है? एक्चुअली आती है. बेसिकली क्या है, यहाँ दो कंडीशंस है. हमारी गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आर है. 78 किलोमीटर पर आर स्कूटर की. ठीक है, अगर इसमें क्या है, बेसिकली अगर आप इको मोड पे हो तो आपका जो एक्सलेशन होगा ना वो मैटर नहीं करता, टॉप स्पीड आपकी 45 ही रहेगी, वहाँ पे आपको 75 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. ठीक है, अगर हम स्विच करते हैं पावर मोड पे, तो पावर मोड पे स्विच करने का स्पीड कितनी हो जाती है? स्पीड आपकी पहुंच जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर की. 80 किलोमीटर पर आवर सही स्पीड है, उसमें कितना चलेगा? 62 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. 60 to 65 किलोमीटर, नॉट बैड, मतलब आप इजीली चल सकते हो. और अगर इसको एक बार चार्ज करना हो तो कितना टाइम लेती है? सर ये 0 to 100 चार्ज करने में 4 to 5 आवर्स का नॉर्मल टाइम लगेगा. 4 to 5 hours. और इसके अंदर हमें डिटैचेबल बैटरी तो मिलती नहीं है, हमें चाहिए होगा ना सॉकेट चार्ज करने के लिए. तो ठीक है, तो हमारा टीवीएस का कौन कौन सा चार्जिंग आउटलेट्स है जहाँ पे चार्ज हो सकती है? सर बेसिकली अभी हमारे नॉर्मल सारे आउटलेट्स पर चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो अब iQube जो हमारे एक सिंगल वेरिएंट में आती है, सिंगल वेरिएंट 99,000 रुपए की ऑन रोड या स्कूटर खड़ी हुई है, आप लोग यहाँ पर आकर के इसे देख सकते हो. उसके बाद में अब हम लोग फिर से वापस जाते हैं उसी वर्ड पे, सदाबहार. तो अगर हम लोग सदाबहार की बात कर रहे हैं तो 2005 से लेकर के आज तक ये मोटरसाइकिल आपकी सदाबहार ही है, जिसका नाम है टीवीएस अपाचे. बेसिकली हमारे टीवीएस में FI के दो वर्जन आते हैं, एक आता है ETFI. अगर हमारी कोई भी गाड़ी है, जैसे कि हमने रेडियन देखा था हमारा, हमने अपना उसका राइडर देखा था, जुपिटर देखी थी, तो आप इसमें देखेंगे इसमें आता है ETFI, इट मीन्स इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन. तो ETFI बेसिकली माइलेज पे काम करता है.
आप देख सकते हैं, आइए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कोल पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, ये आता है RTFI, तो बेसिकली जो उसका फ्यूल इंजेक्टर है ना, वो रेसिंग ट्यून्ड है। ओके, तो मतलब आपके सब में आपका फ्यूल इंजेक्शन है, लेकिन आपका जो एवरेज वाली बाइक है उसमें आपका ETFI है, जो कि इकोनॉमिक मतलब एवरेज के ऊपर फोकस करता है, और आपका जो ये सेगमेंट की मोटरसाइकिल है इसमें आपका RTFI होता है, जो कि आपका रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन, जो कि आपके स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। जिसमें हमें कितने वेरिएंट आते हैं? इसमें बेसिकली हमें दो वेरिएंट मिलते हैं, एक सिंगल डिस्क आता है, एक डबल डिस्क आता है। हमारे पास ये दोनों खड़े हुए हैं क्या? बेसिकली सिंगल डिस्क है, वो डबल डिस्क है आपका, है ना? ये सिंगल डिस्क है, ये डबल डिस्क। इसमें हमें कलर्स कितने आते हैं सर? सर बेसिकली कलर की बात करो तो यहाँ पे कलर ऑप्शन में आपको 5 से 6 कलर मिलते हैं। 5 से 6 कलर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों मोटरसाइकिल देख रहे हो, ये आपका एक सिंगल डिस्क है, ये आपका एक डुअल डिस्क है, इसमें आपको 5-6 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जानते हैं फाइनली इसका ऑन रोड प्राइसिंग? इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा सर आपको सिंगल डिस्क 1,30,800 रुपये का, एंड जो डबल डिस्क का प्राइस है वो आपको पड़ेगा 1,34,400। तो ये हमारी अपाचे खड़ी है, और ये जो आपकी अपाचे देख रहे हो ना, ये आपके इंजन के अंदर इसको आपको 2 वॉल्व मिलते हैं, ठीक है, 2 वॉल्व पर सिलेंडर आपका, मतलब एक ही सिलेंडर है तो आपको वो मिलता है। लेकिन अभी अपाचे ने उसके ऊपर वाला भी वेरिएंट निकाल दिया था जिसको आपको 4 वॉल्व मिले जा रहे थे इंजन में, जो कि हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। सर हमें बताइए कि हमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस मिल जाता है? सर सबसे पहली बात तो ये 20-inch सेगमेंट है आपका, ठीक है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले से कंपनी ने परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। छोटी सी अपडेट चीज़ें हैं जो मेजरली हुई है, मैं बात करता हूँ पहले पावर की। बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसा हम सबको पता है कि पहले गाड़ी की जो BHP आती थी वो 16.4 आती थी समथिंग। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने गाड़ी का 4 किलो वेट कम कर दिया है और BHP बढ़ा दी है 17.6 की। इसमें 3 वेरियंट आते हैं। कौन कौन से? पहला वेरियंट हमारा ड्रम का आता है, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको 1,39,000 रुपये। 1,39,000 यानी 1,39,000। एंड जो डबल डिस्क है, दैट इज द प्राइस ऑफ 1,41,300। अब 160 का अगर आप टॉप मॉडल जाते हो तो उसमें आपको जो है ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग आपकी 1,45,000 रुपए से, जो आपके बेस वेरिएंट से 6,000 रुपए महंगी हो जाती है, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हुई है यहाँ पे, काफी सारे कलर्स और 3 वेरिएंट्स में आती है, आप लोग इसे आकर के देख सकते हो। तो बाहर आते आते सबसे पहले जो मैं आपको मोटरसाइकिल दिखाने वाला हूँ वो आपकी होगी TVS अपाचे RR 310। यार मोहित भाई सब कुछ तो सेम दिख रहा है, नया क्या है? तो सर बेसिकली नया इसमें ये है कि यहाँ पे ना आपको रेसिंग किट अवेलेबल है। कितनी किट्स आती हैं? बेसिकली 3 किट होती है यहाँ पे, एक डायनेमिक किट, एक रेसिंग किट और एक होता है ग्राफिक्स वगैरह के लिए। तो बेसिकली ये आपकी जो ऑलरेडी फास्ट मोटरसाइकिल है उसको और फास्ट करने के लिए आपकी ये 2 किट्स आती है, रेसिंग और डायनेमिक, और जो आपकी तीसरी है वो और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आती है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसके वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करते हैं मोहित भाई। सर बेसिकली यहाँ पे अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड मॉडल प्लान करते हैं तो ये हमारा 298 का है, 2,98,000। अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करो, अगर आप इंडियन कस्टमर के हिसाब से देखो कि एवरेज भी जो प्रोवाइड करे, जो आपको लुक्स भी प्रोवाइड करे और फीचर जो आपको वैसी टॉप नॉच मिले, तो मेरे हिसाब से ये आपका बढ़िया ऑप्शन हो जाता है RR 310, जो रेस स्पेक के साथ आता है, जिसको आप ऑटोमेटिकली कस्टमाइज भी करा सकते हो अपने 3 किट के साथ। तो ये हो गया हमारा RR 310 का। अभी आप हमारे पास कौन सी मोटरसाइकिल या स्कूटर बची? बेसिकली सर हमारे पास है एंटॉर्क। एंटॉर्क जो हम सबको देखना चाहिए, वो मार्केट का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग जा रहे हैं तो जाते जाते हमें ये मोटरसाइकिल भी मिल गई है, जिसका नाम है TVS Sport, ठीक है। ये बेसिकली आपकी मोटरसाइकिल लाइट वेट बाइक है, एवरेज के ऊपर फोकस करती है, काफी ज्यादा बढ़िया एवरेज देती है, वैसे है सिंपल और मिनिमलिस्टिक ही। तो ये कितना वेरिएंट में आती है और क्या प्राइसिंग है इसकी? सर बेसिकली यहाँ पे आपको जो 2 वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, अगर आप ड्रम प्लान कर रहे हो तो वो 69,500 का है, और अगर आप सेल्फ प्लान कर रहे हो तो वो बेसिकली उसका प्राइस पड़ेगा 10,000 जो आपको 10 BHP से ज्यादा जो है हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी बाकी ज्यादा स्कूटर्स नहीं करती है। उसके अलावा इसके अगर आप रेसिंग डायनेमिक्स भी देख लो तो काफी ज्यादा बढ़िया, सॉरी एरोडायनेमिक्स भी देख लो तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, उसके बाद में इसका जो आपको डिजिटल मीटर है वो भी आपको काफी ज्यादा क्लासी और कूल सा मिलता है। उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रोड प्रेजेंस भी ज्यादा अच्छी है, यूथ ओरिएंटेड स्कूटर है आपकी, जितने आपके कॉलेज और स्कूल जाने वाले या फिर थोड़ा सा समझ रहे हो यंग लोग हैं वो इसको ज्यादा जाकर के पसंद करते हैं। अलग अलग एडिशन में भी आती है, इनफैक्ट इसके मार्वल के एडिशन भी आते हैं ना आपके। तो अब हम लोग इसके फाइनली जल्दी से पैसे बता दें, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बेस वर्जन पे। सबसे बेस में आते हैं स्टैंडर्ड पे। हाँ जी, उसका जो कॉस्ट होगा सर वो ऑन रोड
ऑन रोड कॉस्ट होगा 94,500। ठीक है, उसके ऊपर फिर रेस एडिशन आता है, इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 98,200। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमारा सुपर स्क्वायर एडिशन है जो बेसिकली प्राइस आएगा इसका 1,00,500 समथिंग। 1,00,500। ठीक है, उसके बाद एक्सपी है 1,18,000 ऑन रोड प्राइस। 1,18,000। ठीक है, तो ये आपको एनटॉक के सारे वेरियंट और सारे प्राइसिंग भी पता चल गई। मेरे हिसाब से कोई मोटरसाइकिल बची है नहीं मोहित भाई, हमारा पूरा पोर्टफोलियो कम्प्लीट है टीवीएस का, कम्प्लीट हो गया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को टीवीएस की कोई भी मोटरसाइकिल लेनी है, आपको वीडियो करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनको भी ऐसे ही घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को एक्चुअली कोई बाइक परचेज करनी है तो आप इनका नंबर उठाओगे मोहित भाई का और सीधे यहाँ पर चलते चले जाओगे ओम टीवीएस पे, अभी नया नया शोरूम खुला है आपका। तो मोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पेशेंटली आपने हम लोगों को सबको समझाया, कोई भी दिक्कत होगी अब ये लोग आपको फोन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने मोहित भाई के साथ मिल करके सारे टीवीएस को ऊपर से नीचे तक सब कुछ बता डाला है। तो अगर आप लोगों को कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो मेरे हिसाब से टीवीएस का अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप लोग आकर के देख सकते हो। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम।